नई सिंडिया टूडे से रेखा सचदेव आप सबका स्वागत करती है। खास बातचीत में आज हमारे साथ जुड़े हैं सूरज गुप्ता मॉडोटोन की विधानसभा से। आइए सूरज गुप्ता जी से जानते हैं कि जिस तरह से पब्लिक उनको लाइक कर रही है, उनका खुद का क्या ओपिनियन है इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग क्षेत्र में आके आम आदमी पार्टी के बारे में जो राय ले रहे हैं और क्षेत्र में जाकर पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो एजेंडा है हर बूथ का है। हम हर बूथ पे जाके दिल्ली सरकार की जो भी उपलब्धियाँ हैं, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा हो, बसों में महिलाओं की राइड फ्री हो, पेंशन हो, बिजली हो, पानी हो, हर बूथ में जाके हम दिल्ली सरकार का, आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल जी का प्रचार कर रहे हैं। और एक ही एजेंडा है दिल्ली में फिर से केजरीवाल, आई लव केजरीवाल। और पब्लिक में, खासकर युवाओं में, महिलाओं में इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले मैंने एक पदयात्रा की थी, तो उसमें पदयात्रा के साथ साथ मुझे भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि हजारों युवाओं का साथ मिलेगा मुझे। और जैसे ही पदयात्रा करना शुरू हुई, ठीक 10 से 15 मिनट में हजारों युवाओं एक जगह पर इकट्ठे हुए और सब हमारे साथ चल दिए। वो युवा मेरी वजह से नहीं, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी के जो काम हैं, अरविंद केजरीवाल जी की वजह से वो युवा उसमें जुड़ा और वो पदयात्रा कन्वर्ट हुई एक विशाल रैली में। तो हम लोगों का यही एक नारा है कि दिल्ली में केजरीवाल, दिल्ली में सिर्फ केजरीवाल। तो सूरज गुप्ता जी, जैसे अभी आपने कहा कि एक छोटी सी रैली एक विशाल रैली में तब्दील हो गई, बदली गई, एक बड़ी जहां पे लाखों की संख्या थी, तो आपको क्या लगता है जहां पे पब्लिक ने आपको मान लिया कि आने वाले दावेदारी में उन्होंने आपको ही मान लिया कि दावेदारी आप ही करेंगे और आप ही आने वाले इलेक्शन में आएंगे, उसके लिए आपको क्या लगता है कि आप आएंगे? मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को दावेदार नहीं मानता, बाकी जनता सर्वोपरि होती है। युवाएं, हमारी महिलाएं अगर ऐसा कह रही हैं तो ये फैसला हम आम आदमी पार्टी भी छोड़ दें तो अच्छा है, क्योंकि हमारे बॉस अरविंद केजरीवाल जी हैं। आम आदमी पार्टी जो फैसला करेगी उसको मानेगी, जो फैसला अरविंद केजरीवाल जी लेंगे वही लेंगे, लेकिन जनता ने तो आपको दावेदारी में मान ही लिया है। हाँ, तो जनता सर्वश्रेष्ठ होती है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो फैसला लेगी उसको सब वो फैसला लेगी। तो जैसे अभी आपको पता है कि अगर सपोज अगर आपको टिकट नहीं मिलती है या फिर आप दावेदारी नहीं आगे बढ़ पाते हैं, तो क्या लगता है आपका उसके बाद रिएक्शन क्या होगा? मैंने अभी आपको बताया ना कि आम आदमी पार्टी जो फैसला लेगी उसके साथ होंगे। आम आदमी पार्टी जिसको भी अपनी विधानसभा से प्रत्याशी बना के घोषित करेगी, आम आदमी पार्टी के लिए काम करना है, हर बूथ पे काम करना है और भारी बहुमत से जो भी प्रत्याशी होगा उसको जिताकर भेजना है। तो मतलब सूरज गुप्ता जी का ये मानना है कि उन्हें सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए काम करना है, चाहे वो एक विधायक बन के करे और चाहे वो एक आम नागरिक बन के करे। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, 2013 से मैं अन्ना आंदोलन से जुड़ा और मेरे ऐसे लाखों युवा अपना सब कुछ, रोजगार छोड़ के, नौकरियाँ छोड़ के, सरकारी नौकरी छोड़ के, मैंने भी DMRC में, मैं भी JEE की मेरी नौकरी हुई थी, मैंने भी उसको त्याग किया था। उसका देखो फ़ायदा क्या मिला है, अगर हजारों युवाओं ने अपना सब कुछ बर्बाद किया या अपना समय दिया या नौकरियां छोड़ी, तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि आज बिजली सस्ती है, दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली है, महिलाओं को हमारे इतनी सुविधाएं मिली हैं, राइड फ्री हुई हैं, और पेंशन जो हजार रुपये पेंशन हुआ करती थी वो 2500 पेंशन चली गई है, ठीक है, पानी मुफ्त मिला, तो इतनी सारी सुविधाएं जो मिलती है, तो मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं का जो बलिदान है वो बेकार नहीं गया। तो चाहे विधायक बनकर चाहिए सही, चाहे कार्यकर्ता बनकर सही, पब्लिक को फ़ायदा हो रहा है और हर कार्यकर्ताओं का अपना एक योगदान है, तो इसलिए आम आदमी पार्टी जो फैसला लेगी उसके साथ होंगे। बिल्कुल प्राउड होता है और दिल्ली का हर युवा को अपने ऊपर प्राउड होता है, घमंड है अपने ऊपर कि हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। युवाओं का जुड़ने का एक खास रीजन और है कि पहले के युवा कुछ बनना चाहते थे, IAS बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो दूसरी सरकारें उनको सुविधा नहीं दे पाती। आज हमारी सरकार है जो उनको एजुकेशन लोन प्रोवाइड करती है, आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट चले जाइए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट चले जाइए, तो वहाँ पर आपको आपको कोचिंग फ्री मिल रही है दिल्ली सरकार से, भीम योजना, मुख्यमंत्री योजना से बिल्कुल कोचिंग फ्री मिल रही है। तो एक ये रीज़न है, जिसने भी 12th पास किया है, 12th पास करने के बाद उनको 5-6 लाख रुपये, 10 लाख रुपये खर्च करने के लिए उनको पैसा नहीं हुआ करता था, उनके माँ बाप खर्च नहीं कर पाते, तो आज वो युवा इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि एक तरह से उनको बड़ा, उनका सपना पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार उनका सपना पूरा कर रही है, दिल्ली सरकार। तो सूरज जी, एक आपसे मैं पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगी यहाँ पे, जैसे कि आपकी स्टडी कहाँ से हुई और अचानक से आपने पॉलिटिक्स में आने में कैसे, और जब आप आए तो क्या आपकी फैमिली आपके साथ ही उस डिसीजन पे कि हाँ मैं पॉलिटिक्स में जा रहा हूँ, और फैमिली ने आपको पूरा साथ दिया? 2012 में हम अन्ना आंदोलन से जुड़े थे, एंटी करप्शन मूवमेंट में हम जुड़े थे, उस समय पार्टी नहीं बनी थी और हम उन्हीं के साथ मतलब बदलाव चाहते थे।
उस समय मैं स्टडी कर रहा था, डिप्लोमा होल्डर कर रहा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आर्बर्ट पॉलिटेक्निक से। उसके फिनिश होने के बाद फिर मैं बीटेक सेकंड ईयर में था, फिर वहाँ मैंने छोड़ दिया था क्योंकि उस समय आंदोलन की वजह से मुझे जेल जाना पड़ा था 14 दिन के लिए। अच्छा। हाँ, तो उस वजह से मेरी स्टडी भी रुक गई थी। तो लेकिन मुझे उस चीज़ का अफसोस नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने कुछ योगदान दिया है पार्टी को, कुछ बलिदान दिया, तो उसका फ़ायदा हुआ है, सभी दिल्ली वासियों को फ़ायदा हुआ है, सबको इतना फ़ायदा मिल रहा है दिल्ली सरकार की सुविधाएं, तो मुझे लगता है कि योगदान बेकार नहीं गया। बेकार नहीं। तो उस समय आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आप 14 दिन के लिए जेल में बंद थे? पेरेंट्स तो डरे हुए थे क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने ही जेल भेजा था हमको, मेरे साथ 18 लोग जेल में थे, तो पेरेंट्स काफ़ी डरे हुए थे, उन्होंने मना भी किया लेकिन हम नहीं माने। लेकिन आज पेरेंट्स खुश हैं कि सही डिसीजन था और उसका एक फ़ायदा मिला है पब्लिक को, एक सोशल वर्किंग एक्टिविटी जो हुई है, आज जो भी पहचान है मेरी जो वो आम आदमी पार्टी की वजह से है। तो पेरेंट्स पहले नाराज थे, अब नाराज नहीं है। अब नाराज नहीं। तो जैसे आपने बताया 2013 में आपने बताया कि जब 14 दिन के लिए बंद थे, जब आप जेल से बाहर आए तो क्या आपका कोई जो इरादा था वो डगमाया कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना, ये गलत है, मैं इतने दिन बंद रहा, या फैमिली से दूर रहा, या जहाँ आपका डिसीजन जैसा था वैसा का वैसा ही रहा? नहीं नहीं, बल्कि इरादे और बुलंद हो गए। अच्छा। जब जेल से आप बाहर आने के बाद इरादे और बुलंद हो गए, उससे एक चीज़ तो पता लगे कि विपक्षी पार्टी सच में कुछ गलत कर रही है, इसलिए तो उन्होंने जेल भेजा, वरना वो जेल क्यों भेजते। तो इसलिए इरादे और बुलंद हुए और मजबूत तरीके से ग्राउंड पर उतरे और बिल्कुल ही आम आदमी पार्टी को बड़े ही बहुमत के साथ जीत दिलाई हमने। क्योंकि उस समय ये मान लीजिए कि हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, फिर भी 28 सीटें हम लेकर आए, वो कार्यकर्ताओं की मेहनत और ग्राउंड पर जो लोगों ने मेहनत की थी, उसलिए हम दिल्ली में 28 सीट लेकर आए। और फिर देखो कि हमने 49 दिन में जो सरकार बनाई, उसके बाद पब्लिक को भरोसा आया कि हाँ ये लोग कुछ कर सकते हैं, इसलिए 67 सीट अगली बार 67 सीट आम आदमी पार्टी को दी। तभी जो जितने भी युवा आम आदमी पार्टी में जुड़ रहे हैं, तरह तरह के, एक लड़के लड़की, 20 साल की लड़की, 22 साल का लड़का, जिस तरह से भी जुड़े, उनके लिए क्या खास मैसेज देना चाहेंगे आप? उनके लिए मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग एक देश का भविष्य है, दिल्ली का भविष्य है, तो सबसे ज़्यादा जो राजनीति होती है वो आप लोगों पे डिपेंड करती है कि अच्छा नेता चुने। और इस समय आप देख लो कि भाजपा कितनी गंदी राजनीति कर रही है, ठीक है, दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पर नज़र होनी चाहिए युवाओं की कि एक अच्छे नेता को चुने। हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, अगर उनको लगता है कि ज़्यादातर काम उन्हीं के लिए किया है, फ्री वाईफाई उन्होंने कर दिया है, आप देखोगे देश भर में इंटरनेट इतना महंगा हो गया है लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने मुफ्त वाईफाई दिया है और मुफ्त एजुकेशन लोन उनको दे रहे हैं, मुफ्त इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका भविष्य बना रहे हैं, शिक्षा में इतना बेहतर बदलाव देखिए। तो मुझे, मेरे हिसाब से युवाओं को ये चीज़ देखनी चाहिए और कांग्रेस भाजपा को नकार के युवाओं को साथ देना चाहिए खुलकर अरविंद केजरीवाल जी का। तो आपने जैसे जाना, आज खास बातचीत में सूरज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने एक बहुत प्यारा मैसेज दिया है अपने आने वाले सारे यूथ को जो आम आदमी पार्टी में जुड़ने वाले हैं और जो जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि ऑनेस्टली अपना काम कीजिए और अपने नेता को चुनिए जो सही है। हेडलाइंस इंडिया टुडे से रेखा सजे।